पिछले कुछ समय से ईरान ने अपने हथियारों के जखीरे में नए नए हथियार शामिल कर दुनिया को चौंकाने का काम किया है, चाहे वो क्रूज मिसाइलें हों, हाइपरसोनिक मिसाइलें या फिर एक से बढ़कर एक ड्रोन। ईरान अपने इन हथियारों को दुनिया के सामने नुमाया कर अपने दुश्मनों को चेतावनी देता रहता है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इसराइल हमास की जंग, दोनों में ही ईरान के बने हथियारों का इस्तेमाल होता आया है। अब ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक नया ड्रोन तैयार किया है, जिसका नाम उसने गाजा रखा है। यह नाम उसी गाजा पर रखा गया है जहां इसराइल ताबड़ जोर बम बरसा रहा है। इस ड्रोन का गाजा नाम गाजा पट्टी को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। ईरान के इस ड्रोन ने अब इसराइल की टेंशन बढ़ा दी है। यही नहीं, ये ड्रोन वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये ड्रोन कतर एक्सपो का हिस्सा भी बना। इस दौरान गाजा या शहीद 149 मल्टी रोल ड्रोन ने सैन्य अधिकारियों, पश्चिमी और इजरायली मीडिया आउटलेट्स का ध्यान आकर्षित किया। गाजा ड्रोन में क्या है खास? ईरान का दावा है कि उसका गाजा ड्रोन 13 बम ले जा सकता है। ये एक टर्बोजेट इंजन से लैस है, जो कथित तौर पर इसे हजारों किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये इसराइल के हर्मीस 450 यूएवी की तरह दिखता है, लेकिन साइज में उससे बड़ा है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा ड्रोन 8 से ज्यादा बम ले जा सकता है। इसके साथ ही ये चलते हुए और रुके हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। गाजा ड्रोन सादिद 1 मिसाइल भी लेकर जा सकता है। कराल ड्रोन के बाद यह ईरान का दूसरा ड्रोन है जो इस मिसाइल को ले जा सकता है। अमेरिका की क्यों बढ़ी टेंशन? बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित गुटों ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इसी को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके हूबहू अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के समान गाजा ड्रोन तैयार किया है। अमेरिकी ड्रोन की तरह ही शहीद 149 के पंखों का फैलाव 21 मीटर है। यह अधिकतम 1500 किलोमीटर भार ले जा सकता है और यह टर्बो प्रॉप विमान इंजन द्वारा संचालित होता है। बता दें, अक्टूबर में ईरान की मिसाइल और ड्रोन निर्यात पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध हट गया था। प्रतिबंधों के हटने के बाद से ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सैन्य शस्त्रागार की तेजी से ऐड कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाल ही में रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बेचने का जुला समझौता किया है। इसके अलावा सूडानी सरकार को भी ड्रोन बेचा। ईरान का नया ड्रोन अमेरिका के M29 रिपल ड्रोन से आगे निकलने की एक कोशिश है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ गई है।